हरे कृष्णा. तो आज से हम जो मंदोदरी का मिलाप है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. तीन श्लोक है. तो परसों जो मैं श्लोक यहाँ पे लिया उसमें मंदोदरी कह रही है कि अभी आपका वध हो गया है, अभी हम सब उसके कारण बिना किसी आश्रय के रह गए. अभी कल के बिहारी में गया था, वहां पर चर्चा की थी किस तरह से कि वो कह रही कि तुमने तेजो अनुभव नवीद, आपने सीता की शक्ति नहीं समझी और उसके कारण आपका वध हो गया. और अभी वो कह रहे क्या हुआ है, तुम्हारे शरीर और आत्मा की दोनों की गति बड़ी एक तरह से उनके शरीर की रावण के शरीर की गति बड़ी दुर्गति हो गई है कि गृढ़ाणाम अन्नम वो जानवर खा लेंगे उनको और आत्मा की गति नरक है. और उसके साथ साथ जो लंका उपासियों की गति है वो क्या हो गई है, विधवा. तो वो यहाँ पे ऐसे कह रही है कि न केवल मैं विधवा हो गई, सारी लंका विधवा हो गई है क्योंकि लंका का कोई संरक्षित नहीं था. तो मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स, जैसे जो रावण की गति है उस गति में न जाकर जो हनुमान जी की गति है उसके ओर हम कैसे जा सकते हैं. तो जो तीन पॉइंट देखूंगा और हर एक पॉइंट के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, तो एक सवाल होगा उसी पॉइंट से रिलेटेड तो हम एक दो सवाल ले सकते हैं, फिर आंसर हम क्वेश्चन आंसर देंगे. तो एक्चुअली मैं इंग्लिश में प्रिपेयर किया था तो इसलिए मैं इंग्लिश में पॉइंट बोलूंगा फिर उनको भाषांतरित करूंगा, एटलीस्ट द मेन पॉइंट्स. सो द थ्री पॉइंट्स आई थिंक पॉइंट मैं बोलूंगा कि लाइफ्स ट्रबल्स कैन ब्रिंग द वर्स्ट इवन आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ अस. कि हम भले ही अच्छे लोग हो, जब जीवन में समस्या आती है तो हमारे अच्छे लोगों में से भी बुरी चीजें बाहर निकल सकती. Then, तो दूसरा पॉइंट, इफ वी परस्यू प्लेजर एज द पर्पज ऑफ आर लाइफ देन दैट इज टू फ्रेजाइल एंड टू चीप टू मेक आर लाइफ मीनिंगफुल. प्लेजर जो अगर हम सुख की खोज में रहते हैं तो सुख जो है ये बहुत सस्ता और बहुत नश्वर हेतु है. और फिर आपका पॉइंट कहने से आध्यात्मिक ज्ञान हमें एक ऐसा उद्देश्य प्रदान करता है जीवन के लिए कि हम जीवन के दुखों के परे जा सकते हैं. स्पिरिचुअल विजडम प्रोवाइड्स अ पर्पस दैट मेक्स लाइफ सफरिंग्स बियरेबल एंड मीनिंगफुल. तो सबसे पहले क्या है कि पहला पॉइंट देख रहे हैं कैसे कि हम सब हमारे जीवन में जी रहे होते हैं और जैसे हमें बताया गया है दैवी प्रकृति के लोग हैं, असुरी प्रकृति के लोग होते हैं. तो इंग्लिश में कहते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, सम पीपल आर वाइज एंड सम आर अदरवाइज. तो कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बुद्धिजीव होते हैं. तो अभी जो अदैवी और असुरी प्रकृति के लोग होते हैं इस तरह से साधारणतः अभी हम रावण के बारे में सुनते हैं तो या फिर आजकल के समाज में हम किसी आतंकवादी के बारे में सुनते हैं या साइकोपैथ सोशियोपैथ जैसे बिना किसी कारण के लोगों को मार डालते हैं. कैसा व्यक्ति है ये, मानव नहीं है ये है जानवर जैसे है. जो है जब हम कोई बहुत ही घृणास्पद कार्य करता है तो कैसा किस प्रकार का व्यक्ति, कौन है, कैसे कर सकता है. तो देयर इज अ टेंडेंसी टू अदरिफाई टू डीह्यूमनाइज द डेमोनिक. जो असली प्रवृत्ति के लोग है कोई अलग ही योनि है मान लेते हैं बस. पर वास्तव में जो रावण है जिसे उसने बड़े घृणास्पद कार्य किए हैं वैसे जो है वो कार्य कोई भी व्यक्ति अगर बुरी परिस्थिति आ गई तो उससे वो कर सकता है. हम सब हमारे जीवन में साधारण हमारे स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं. तो अगर कोई दैवी प्रकृति का है तो साधारण दैवी कार्य करेगा, असुरी प्रकृति का है तो असुरी कार्य करेगा. पर जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो जब समस्याएं आती है तो फिर उस समय एक प्रकार से घृणा आती है, खुन्नस आता है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे से. मान लीजिए हम साधा जीवन जी रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर लगता है बिना किसी कारण, तो फिर अभी लगता है उसको कि मुझे इसका कुछ करना चाहिए.
उसके उसके प्रति कुछ प्रतिकार करना चाहिए, और कभी कभी प्रतिकार करना जरूरी होता है, पर कभी कभी प्रतिकार करने के मात्रा की मात्रा में हम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब बुरे घट बुरी चीजें हमारे जीवन में होती है, सबके जीवन में बुरी चीजें होने लगी है, ये जो 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 हम कहते हैं कि एक बार हम कहते हैं जगत दुखाल है, तो लोगों को लगता है बहुत निराशा लोग कहना है, हम बहुत निराशावादी है, पर वही चीज हम कहते हैं कि जीवन में बहुत मुश्किल है, हो सकते हैं। तो ये सब जानते हैं क्योंकि जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, और जब समस्याएं आती है तो फिर क्या होता है, हम कई बार उस समस्याओं से निकलने का कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसान तरीके से निकल सकता हूं, और उसके लिए जो व्यक्ति होता है वो बुरी चीजों में लग जाता है। मैं अमेरिका में था, वहाँ एक मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअलिटी और एडिक्शन के एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस में था मैं वहाँ पे, कि अध्यात्म और एडिक्शन क्या है, व्यसन, व्यसन इज बैड, ठीक है, व्यसन जो है उसके उस पर वो प्रवचन था, तो उसने बता रहे थे कि लोग जो बुरी आदत में फंसते, अभी कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं है कि अगर कॉलेज में जाता है, अमेरिका में कई देशों में कई प्रांतों में ड्रग्स की वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ड्रग्स तो सब जगह पे होते हैं विश्वभर में, पर कई जगह पे खासकर के मेक्सिको से बहुत से ड्रग पेडलर्स अमेरिका में ड्रग्स आ रहे हैं, तो फिर उसके कारण कोई विद्यार्थी ऐसे सोचता नहीं कि मुझे व्यसन व्यसन व्यसनी बनना है मुझे, पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि कोई मित्रों के संग में होता है, बोलता है कि थोड़ा नशा कर लो मजा आ जाएगा, ठीक है, तो फिर एक दो बार वो एक्सप्लोर करने के लिए कर लेते हैं, अनुभव करने के लिए कर लेते हैं, दूसरों का मन लगाने के लिए कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, अभी उतनी कुछ राहत मिलती है, कुछ सुख मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, और वहां मन में एक संस्कार रहता है, और बाद में कुछ परेशानी होती है, अगर कुछ बहुत एग्जाम का कोई एग्जाम का बहुत सारा काम आ गया है, या फिर किसी को कुछ 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 संबंधों में कुछ बड़ा बड़ी बुरी घटना हो गई है, तो फिर तुरंत मन तुझे राहत जाता है, और फिर साधारणतया वो बहुत ज्यादा नशा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा पिएंगे नहीं, पर जब समस्या आ जाती है तो अगर वो उसने कार्य किया है पहले तो मन तुरंत उसी की ओर राहत के लिए, और कभी कभी राहत चाहिए, एक है पहले जो क्या करते हैं उसे अनुभव करने के लिए मिला, तो थोड़ा सा अनुभव कर लिया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो गया, पर वो अनुभव का संस्कार हो जाता है तो फिर वो राहत के लिए कर लेता है, और जब क्या होता है राहत चाहिए होती है तो थोड़ा लेते हैं, थोड़ी सी राहत मिलती है, लगता है और ले लूंगा तो और राहत मिलती है, और ले लूंगा फिर और राहत मिलती है, और उस तरह से व्यक्ति जो है सारी जो मर्यादा है उसको पार करता है, फिर बाद में वही वो नशे के लिए इतना, जो व्यक्ति साधारणतः कोई झूठ भी नहीं बोलेगा, इतना अच्छा व्यक्ति है वो नशा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े झूठ बोल लगता है, बहुत बड़ी बड़ी बुरी चीजें कर लगता है, झूठ बोल लगता है, किसी को किसी का आक्रमण करता है, चोरी कर लेता है, तो ये जो होता है एक स्लिपरी स्लोप है, ये जो एक ऐसे ऐसी जगह है पहाड़ के नीचे आ रहे हैं, तो अगर बहुत ही फिसलने वाली जगह है तो फिसल जाता है, तो इसीलिए जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है वह ऐसे नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा बुरा होता है, पर एक बुरा कार्य होता है, दूसरा बुरा कार्य होता है, तीसरा बुरा कार्य होता है, और इस तरह से बुरे कार्य बढ़ जाते हैं, तो हम जब किसी को बहुत ही घृणास्पद कार्य कर देखते हैं, कैसे किया ऐसे, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसे, अधिकांश बच्चा नहीं करेंगे ऐसे, पर क्या है, दो चीजें हैं, एक है वीकनेस और एक है विकेडनेस, अभी वीकनेस मतलब कमजोरी, विकेडनेस मतलब क्रूरता, और इन दोनों में फर्क क्या है, जब वीकनेस होता है कि मान लीजिए किसी को क्रोध आता है, वो उसको कमजोरी है, फिर क्रोध आता है, वो चिल्लाते हैं कुछ, कभी कोई शारीरिक लोग भी आक्रमण कर देते क्रोध में आता है, पर बाद में वो पछताते हैं, तो मतलब क्या है, उनके अंदर उनकी विवेक बुद्धि है, और उनकी उनका विवेक है, उनकी बुद्धि भी है, बुद्धि जो है हमें रैशनल एक तर्क के आधार पर बताइए करना चाहिए करना चाहिए, और जो विवेक है वो हमें भावना के आधार पर होता है, ये अच्छा नहीं है, तो ये हम दोनों में है,
तो जिसमें व्यक्ति में कमजोरी है कभी कभी क्रोध के वश में आकर कुछ बुरा कार्य कर देगा, पर बाद में उसकी विवेक और उसकी बुद्धि जागरूक रहता है मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए, और फिर वो शायद माफी मांगेगा और फिर कुछ वो पूरा न करे इसके लिए प्रयास करेगा। पर जो क्रूर व्यक्ति होता है, जो विकेटनेस होता है, तो क्या होता है उनका विवेक लगभग नाश हो गया है, और फिर उनकी बुद्धि जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं वो क्रोध को इस तरह से व्यक्त करे जिससे कि कोई उनको पकड़ नहीं, क्या जिससे कि दूसरे को ज्यादा से ज्यादा दर्द हो। सो वीकनेस इज हॉट हेडेड, विकेटनेस इज कोल्ड ब्लडेड। कि जो वीकनेस होता है तो अचानक भाव आ गया, जोर आ गया, कुछ कर लिया, जो विकेटनेस होता है वो पूरा कोल्ड ब्लडेड, मतलब पूरा योजना बना के कैसे दूसरों को डर देना है वह सोचते हैं। तो अधिकांश लोगों में विकेटनेस क्रूरता नहीं होती है, अधिकांश लोगों में वीकनेस होता है, पर जहां भी वीकनेस होता है कमजोरी होती है वहां कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसमें क्रूरता होती है और वो उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ये खुद ही उसने वीकनेस साबित कर दिया, पर वहां पे तुरंत दुर्योधन शकुनी आ गए और वो उन्हें विकेटनेस था, उन्हें क्रूरता थी। तो उसी तरह से क्या होता है, अभी ये जो विद्यार्थी अगर कॉलेजेस में ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है वो बुरे नहीं पर उनमें वीकनेस होता है, और वहां पे ड्रग्स बेचने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनमें विकेटनेस होता है। तो हम सब में कमजोरियां है, वीकनेस है, पर हमें देखना है कि हम कम से कम ये जो कमजोरियां है उनको हम तुरंत निकाल नहीं सकते वो है, पर जो वीकनेस है कम से कम हम उन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें विकेटनेस है, जो क्रूरता है, एक्चुअली क्रूरता इज क्रुएल्टी, कपटता दुष्टता बोल सकते हैं, दुष्टता, थैंक यू, जो दुष्टता जो है वह ऐसे व्यक्ति का संग न करे। कभी 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 भक्तों के संग में होता है कि कुछ लोग बहुत बाकी सब भक्तों की निंदा करते हैं, अरे इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। जो गॉसिप होता है, गॉसिप का मतलब क्या है, व्हेन वी हियर समथिंग वी लाइक अबाउट समवन वी डोंट लाइक, व्हेन वी हियर समथिंग वी लाइक अबाउट समवन वी डोंट लाइक, जिसको हम ना पसंद करते हैं उसके बारे में ऐसा कुछ सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो व्यक्ति अच्छा हमको अच्छा लगता है उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो क्या होता है हम सब में एक थोड़ा सा भाव होता है कि कोई किसका बड़ा गुणगान हो रहा है तो उसको थोड़ा नीचे लाए, उसको वो थोड़ा सा कमजोरी होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि उनकी उनकी वो फुल टाइम डिवोशनल सर्विस है दुनिया को भक्तों का दोष बता वो कुछ भक्त ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि सच्चे भक्त जो है उनका दोष बताएंगे तो मैं सारे लोग अज्ञानी उनको अज्ञान दे रहा हूँ, कितने आप किसी को श्रद्धा कर रहे हो, श्रद्धा आपका पात्र नहीं, अभी सब में दोष है। और कई बार जो लोग ऐसे होते हैं तो सोचते हैं कि उनकी सेवा है दूसरों का दोष ढूंढना, वो फिर क्या करते हैं उस सेवा के लिए दूसरों को काल्पनिक दोष बना लेते हैं। तो अभी हम सब में प्रज्वलित करने की एक प्रवृत्ति होती है, पर जो लोग प्रज्वल भी करते हैं उनके संग में आ जाएंगे, उनका संग में हम रहेंगे तो क्या हमारे चेतना बहुत दुष्ट हो जाएगी। तो जब कमजोरी और दुष्टता साथ में आ जाती है तो फिर जो अच्छा व्यक्ति है वह भी बहुत बुरा बन जा सकता है। तो इसीलिए हमें जब चरासने से भी रावण का उदाहरण दिखा दे रहे हैं तो ऐसे नहीं होता कि रावण तो असुर है और मैं भी भक्त हूं, क्योंकि रावण जैसी प्रवृत्ति हम में भी है और हम भी कुछ बहुत घृणास्पद कार्य भी कर सकते हैं। तो देर शुड बी हमें एक हेल्दी फियर होना चाहिए कि ऐसे कि एक ऐसे हेल्दी स्वस्थ भय साउंड राइट ओके सकारात्मक भय थैंक यू सकारात्मक भय होना चाहिए कि ये जो ऐसे बड़े ही भयानक चीजें हैं ये हमसे भी हो सकती है, ये इसका एक उदाहरण है। अभी हम कहते हैं तो धृतराष्ट्र को एक तरह से कहते हैं बुरा ही व्यक्ति था पर ज्यादा बुरा नहीं था, पर दूसरा उदाहरण दे सकते हैं वीकनेस और विकेटनेस का, ये है कैकेयी और मंथरा। विद कैकेयी वो ऐसे बिल्कुल क्रूर नहीं थी, असुरी प्रवृत्ति की नहीं थी, वो दैवी प्रवृत्ति की थी,
और वह राम को उतना ही प्रेम करती थी जितना वह भरत को प्रेम करती थी। राम को उतना ही प्रेम करती थी कौशल्य और राम को प्रेम करती थी। पर जब वह कई मंत्रा के प्रभाव में आ गई तो फिर क्या हो गया, वह वीकनेस विकेडनेस से बदल गया। तो इसीलिए हम सब में कमजोरियां हैं और हमें समझना चाहिए कि ये कमजोरियां अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए और किसी दुष्ट व्यक्ति का संग भी हो जाए तो फिर हम भी बहुत ही बुरा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमें चौकन्ना हमेशा है, अच्छा अपन चौकन्ने रहते हैं कि ऐसे नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता। हाँ हम आशा करते हैं पता नहीं कार्य नहीं करेंगे, पर वह ऐसे नहीं सोचे कि हम इतने शुद्ध है कि ऐसा अशुद्ध कार्य मुझसे कभी नहीं होगा। हमें एक सकारात्मक भय होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट था कि जीवन और जीवन में जो लोगों का संग मिलता है वह हमें अच्छे से अच्छे लोगों को बुरा से बुरा कार्य भी करा सकती है, क्योंकि वीकनेस से विकेडनेस से किसी कमजोरी से दुष्टता ये एक फिसलने वाली जगह है, वहां पे कोई भी फिसल सकता है। तो किसी को इस पे कोई सवाल है? नहीं, मैं बोला था मैं रावण इससे फैक्ट नहीं करते, मैं बोलते कि रावण जैसे हम भी हो सकते हैं। हम रावण पहले से ही असुरी प्रवृत्ति का था, पर जो दैवी प्रवृत्ति लोग हैं वो भी असुरी कार्य कर सकते हैं। इसके हल क्या है वो आगे के प्रोसेस में हम चर्चा कर रहे हैं। अदर क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन यस प्लीज। So you mentioned that weakness and wickedness they can get joined. So in your example, you mentioned that wickedness comes from outside, from other person. Can we quit our mind to be that wicked person? That is one thing. And the second thing which I told earlier, that sometimes we slip and same mistake is committed again. That is a problem. Committing mistake is not a problem. So we go to the zone of becoming shameless after committing same mistake, that is one extreme. And the other extreme is that we start beating ourselves down because of the mistake, we go into depression. So out of these two extremes, how do we balance ourselves? तो पहला सवाल है कि क्या ये जो दुष्ट है कमजोरी हम कहते हैं दुष्टता हमारे मन से आ सकती है, कभी कभी आ सकती है, पर साधारण हमारे मन में कैसे कमजोरियां है और यह शायद ऐसे संस्कार भी हो सकते हैं कि दुष्टता भी है, पर अधिकांश लोगों में जब हम भक्ति करते हैं भक्ति में आते हैं तो वो बहुत ही क्रूर दुष्ट प्रकार के संस्कार शायद नहीं होंगे। तो अधिकांश लोग कहीं ना कहीं से बाहर से वो प्रेरित होता है क्योंकि हमारा मन जो कल्पना बहुत से कर सकता है पर कौन सी कल्पनाएं हम सीरियसली कंसिडर करते हैं। कुछ कल्पनाएं आती ऐसी करवा सकते नहीं कभी करने वाले, पर अगर वही कल्पना का जो हम कर रहे वो कार्य किसी करते हुए देखते देन क्या है दैट सेम इमेजिनेशन मूव्स फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल टू एक्सेप्टेबल। कि हमारा मन ऐसे बहुत से कल्पनाएं कर सकता है जो इतनी बुरी है कि हमारे लिए वो अनएक्सेप्टेबल अस्वीकारणीय है, पर उसको हम स्वीकार ग्रहण करने लगते हैं जब हम देखते हैं बाहर कोई ऐसे कर रहा है। जनरली क्रूरता बाहर से आती है पर अंदर से भी आ सकती है। और दूसरा जो है दूसरा सवाल था क्लियर हाँ, तो फिर अगर हम कहीं वही गलती बार बार कर रहे हैं तो फिर उससे हम शेमलेस निर्लज जैसे बन जाते हैं। शेमलेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शब्द हो जाएगा, कैसे है कि हम सब में अलग अलग कमजोरियां हैं और कभी कभी कोई कमजोरी को ओवरकम करना के परे जाना के लिए हमें समय लगने वाला है। तो अगर ऐसा है कि किसी कमजोरी को परे जाने के लिए समय लगने वाला है तो दो चीजें हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स एंड वी नीड टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ विद आवर मिस्टेक्स और यू कैन से वीकनेस। कि ये मुझ में कमजोरी है स्वीकार करना है
पर उसके साथ साथ हमें खुद को भी स्वीकार करना है कि कमजोरी के साथ मैं खुद को स्वीकार करूँ। अगर खुद की भर्त्सना करते रहेंगे हम तो फिर वो उचित नहीं है। एक है कि वही गलती बार बार हो, और दूसरा है कि वही गलती और अधिक मात्रा में करना। अगर हम देख कुछ कमजोरी है, कुछ गलती हो रही है तो क्या है, वो अनर्थ है। पर अगर वही गलती हम अधिक अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, मतलब वो एक नियंत्रण के परे जा रहा है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि किसी को कोई जख्म है, कहते हैं कोई जो वेग होते हैं उसको हम खुजली के समान कहते हैं, तो कभी वो खुजली चली नहीं जाती है, वो रहती है तो समय तक। पर अगर वही गलती हो रही है पर उसको हम बढ़ा नहीं रहे, तो उसी मात्रा में हो रही है पर दैट लिमिट इज नॉट बीइंग, जो लिमिट है गलतियों में भी लिमिट होती है कुछ, तो फिर हम देख सकते हैं कि इस अनर्थ को परे जाने के लिए कुछ समय लगने वाला है। हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, मतलब अभी इसके दो उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति को उनका मन अलग होता है, और किसी व्यक्ति में मान लीजिए दिस इज इंडल्जेंस और दिस इज एब्सटिनेंस, ये है भोग करना और ये है उसको छोड़ देना। तो किसी व्यक्ति के लिए सीधा यहां से यहां पे चलो चले जाओगे, पर कोई दूसरा व्यक्ति है उसको इसके बीच में एक बड़ा पहाड़ है, वो जो संस्कार है इतना इतने सारे संस्कार है उस भोग के कि उसको यहां पे आने के लिए दो कदम की जगह नहीं है, ये बस महल उसको जाना पड़ता। तो फिर क्या है, एक व्यक्ति को कोई भोग छोड़ना बड़ा आसान है, द डिस्टेंस बिटवीन एब्सटिनेंस एंड इंडल्जेंस इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। तो इसीलिए अगर किसी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है तो फिर उनको एक तरह से ईमानदार रहते, दुनिया को सारी दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम कहीं मार्गदर्शक उनको बोलना चाहिए कि मुझ में ये कमजोरी है, मैं प्रयास करूँ। एंड इतना इवन इफ वी कांट सक्सीड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन फेल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट फेल आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है कि कृष्ण भावना ये केवल एक स्टैंडर्ड फॉलो करना नहीं है, कृष्ण भावना ये एक भावना है। हाँ जरूर आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो वो कृष्ण भावना में यशस्वी हो कह सकते, पर कोई कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उसके कारण उसको इतना हताश होकर कृष्ण भावना छोड़ दू, ये कृष्ण भावना मेरे लिए है ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा, ऐसा भाव नहीं रखना। क्या देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड में फॉलो नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे हूँ पर मैं यहाँ पे रह के भी कृष्ण भावना भावित हो सकता। तो यही भाव है अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदराचारो मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है वो, पर फिर भी वो भगवान की भक्ति करने का भाव नहीं छोड़ता, भजते माम अनन्य भाग। और भगवान कहते हैं कि क्योंकि अभी वो दुराचार अच्छा नहीं है, दुराचार भगवान शब्द से दुराचार बुरा ही है, पर क्योंकि भजते माम अनन्य भाग है इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति भी अच्छा है, साधु व्यक्ति है। तो इसलिए हमें कृष्ण वी शुड रिड्यूस कृष्ण कॉन्शियसनेस ओनली टू सक्सेसफुल फॉलोइंग योर स्टैंडर्ड्स। जो नहीं उसको फॉलो कर सकता है वह भी कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है, भगवान मेरा ये स्तर नहीं है, मैं बड़ा पतित हूँ पर फिर भी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो फिर उस स्तर पर करना चाहिए उसको भक्ति। और दूसरा है कि एक्चुअली मैं इस पॉइंट पर बाद में आने वाला हूँ, पर स्रोतो गण स्मरणम भज वासुदेव, कि जब ये पूर्व संस्कार से जो वासनाएं भावना जाती है वो लहरों के समान होती है, और जब सागर में लहरें आती है तो कुछ लहरें छोटी होती है कुछ लोग बड़ी होती है। जब लहरें आती है तो लहरों का प्रतिकार करना, अगर छोटी लहर है तो हमको आसानी से हम खड़े रहते वहीं या वहीं पर रह सकते, पर बड़ी लहर आ जाती है तो उसको प्रतिकार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, वो लहर से संघर्ष नहीं करना है, हमें किसी एंकर को पकड़ना है। सो डोंट ट्राई टू फाइट द वेव, होल्ड द एंकर। तो यही भाव है। भगवद्गीता में एक श्लोक आया जाता है 14-26 का, बहुत सारा तो मुझे श्लोक समझ में नहीं आ रहा था, माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति चैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये श्लोक बताते हैं कि भगवान की अगर आप भक्ति अव्यभिचारी स्थिर भाव से करते हो तो आप तीन गुणों के परे आ सकते हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये श्लोक पढ़ के कि वास्तव में हम स्थिरता से भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तीन गुणों का प्रभाव है।
तो क्योंकि रजोगुण तमोगुण आ जाता है, इसीलिए तो हमारी भक्ति स्थिर नहीं रहती है। तो फिर अगर गुणों के कारण ही हम स्थिर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर स्थिर भक्ति करके गुणों के परे कैसे आ सकते हैं? तो जो नहीं कर पा रहे हैं गुणों के कारण, वही करने को बोल रहे हैं भगवान, ये कैसे संभव है? पर यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो हम जो गुण आ रहे हैं, जो गुणों का प्रभाव है, वो लहरों के समान है। तो जब लहर आते हैं तो फिर वो लहरों को, लहरों से लड़ना बड़ा मुश्किल है। पर जो भक्ति है, भगवान का आश्रय है, भगवान की सेवा है, वो एक लंगर के समान है, एंकर के समान है। तो भगवान कह रहे हैं कि भले ही आप वो लहरों को रोक नहीं पाओ, पर अगर आप मुझे पकड़ के रखते हो तो फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे वो लहरों में भी, लहरों के द्वारा आप फेंके नहीं जाओगे। तो हमें देखना है कि जब ऐसी लहरें आती हैं, हम किस भक्ति की विधि को पकड़ के रख सकते हैं। शायद कभी हमको जप में मन नहीं लगता है, शायद कीर्तन में लगता है, जब बहुत विशेष हो रहा है तो शायद कुछ अच्छा फिलोसॉफिकल पॉइंट लेके सुना है, वो पढ़ेंगे तो मन सचेत हो जाता है। हमें देखना है किस भक्ति में क्या चीज, क्या विधि है, क्या कार्य है जो हमारे लंगर के रूप में सब पकड़ समझ सकते हैं, फिर उससे हम उस परिस्थिति में भी खुद को स्थिर रख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट देखा हमने, वेलकम, और सवाल बाद में देंगे। तो पहला पॉइंट जो देखा कि जीवन की बुरी परिस्थितियों में अच्छे लोग भी बुरा कार्य कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि हम सबको एक ऐसा उद्देश्य चाहिए जो हमें सही मार्ग पे रखे, और सुख की खोज यह उद्देश्य नहीं है। कि हम वास्तव में, हम सब, हम किसी को दुख नहीं चाहिए एक तरह से, पर वास्तव में हम दुख से नहीं डरते, हम अर्थहीन दुख से डरते। मान लीजिए हम रास्ते पे चल रहे हैं और कोई कांटा चुभ जाता है, तो फिर हम क्रोधित हो जाते हैं। पर वही पैर में कांटा चुभ गया है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको इंजेक्शन देते हैं, और शायद वो पैर में इंजेक्शन देते हैं और हमको वहां पर भी थोड़ा दर्द होता है, पर क्या है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। नकल स्वीकार करते हैं, डॉक्टर को पैसे भी देते हैं। तो क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दर्द है, यह पर्पसफुल, इसका कुछ अर्थ है। तो हमें दर्द से समझ, दर्द किसको अच्छा लगता है, पर दर्द हम स्वीकार कर सकते हैं जब उसका कुछ उद्देश्य हमें दिखाई देता है। तो जो जीवन में समस्याएं हमारे जीवन में आती है, तो अगर हमारा उद्देश्य कुछ अच्छा होगा तो फिर वो समस्याओं का भी हम सामना कर सकते हैं। समस्या आना मतलब कुछ दर्द होगा, तो हम दर्द कैसे स्वीकार कर सकते हैं? We need a purpose that will make our life worthwhile, that will make our suffering, life with its suffering worthwhile. कि ऐसा कोई उद्देश्य जिससे कि हमें देखे कि ये जीवन में दुख आ रहा है, वो अर्थपूर्ण। तो अधिकांश लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है सुख ढूंढना। ना, एक तरह से सही है ये, पर क्या है, सुख, उसमें सुख, अगर हम सुख की खोज ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं तो उसमें दो समस्या आती है, कई प्रधान से दो। पहली समस्या आती है कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम दुख से नहीं डरते, अर्थहीन दुख से डरते हैं, वैसे ही हम केवल सुख नहीं चाहते, हम अर्थपूर्ण सुख चाहते हैं। अब मान लीजिए, अभी आप में से कितने लोगों को ह्यूमर, विनोद अच्छा लगता है? अगर कोई ना बोल रहा है तो दो सवाल, दो पर्याय कि आपको कभी ह्यूमर का अनुभव ही नहीं हुआ, या फिर cannot be honest। तो फिर साधारण सबको विनोद अच्छा लगता है, पर मान लीजिए अगर अभी इस प्रवचन के बाद में कोई व्यक्ति आता है, आपको बोलता है आज से आपको कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आज से जिंदगी भर टीवी पे कॉमेडी देखो और खुश रहो। कॉमेडी देखना सबको एक तरह से अच्छा लगता है, अगर हाथ से लगता है तो कॉमेडी अच्छा लगता है, पर जिंदगी भर कॉमेडी देखते रहो तो हम क्या, नहीं बोर हो जाएगा, मैं कुछ करना है। तो कॉमेडी से सुख मिलता है, पर क्या है, वो अर्थहीन सुख है। तो हमें सुख चाहिए, पर हमें अर्थपूर्ण सुख चाहिए। जो सुख अर्थहीन होता है वो कुछ समय के लिए सुख देता है, पर बाद में जो सुख होता है वो शीघ्र, वो जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, फिर आप उसका कुछ अनुभव नहीं करते।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल सुख नहीं जाते हैं, अर्थपूर्ण सुख जाते हैं. सो प्लेजर इज टू चीप अ पर्पस टू मेक लाइफ वर्थ वाइल. अगर केवल हम सुख ही ढूंढ रहे हैं तो फिर कई ऐसे सुख है जो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ते हैं, उसमें हमें आनंद नहीं मिलता है. तो हम अर्थपूर्ण सुख चाहते हैं. और दूसरा तो एक समस्या है कि क्या केवल हम सुख की खोज नहीं करते. तो अगर कोई व्यक्ति सुख की ही खोज कर रहा है तो फिर वह क्या होगा, उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा. समझ के क्या होता है, इफ वी कीप डूइंग व्हाटएवर वी लाइक टू डू वी एंड अप डिसलाइकिंग आवरसेल्व्स. अगर जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करते रहता हूं बार 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 बार, तो क्या होता है मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता. और मान लीजिए कोई व्यक्ति को से नेट पर सर्फिंग करना चाहता है, चलो ये मूवी देख लो, ये पढ़ लो, वो देख लो, एक दो तीन, और ऐसे करते करते क्या होता है लोग घंटे घंटे दिन दिन को लोग वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं. वीडियो गेम्स का इतना नशा होता है. और जो ऐसे जो युवक ऐसे करते हैं वास्तव में उनका वो खुद का आदर नहीं करते, उनका खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है. और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मानसिकता का विचित्र भाव है. द पीपल हु डोंट रिस्पेक्ट देमसेल्व्स गेट द मोस्ट एजिटेटेड व्हेन अदर्स डोंट रिस्पेक्ट देम. कि जो खुद का आदर नहीं करते हैं अगर दूसरा उनका आदर नहीं करते तो बड़े क्रोध हो जाते हैं. ऐसे क्यों कहते हैं मुझे, जो जो खुद का आदर करते हैं, खुद का आदर मतलब अहंकार नहीं, पर मैं मेरे जीवन में कुछ अर्थपूर्ण कर रहा हूं और भले आदर करे ना करे ऊपर पर नहीं करते. तो जो हिंसा में आते हैं कई बार क्या होता है उनमें बहुत इनसिक्योरिटी होती है और इसीलिए छोटी सी समस्या में बड़ा हिंसा कर देते हैं. तो अगर हम केवल सुख ही ढूंढते हैं तो हमारा जीवन जो होता है एक चीज बता दें कि इट इज टू चीप और उससे कुछ अर्थ नहीं जुटाना चाहिए. और फिर वो चीप सुख को ढूंढते ढूंढते हम वीकनेस से विकेडनेस की ओर चले जाते हैं. द सर्च फॉर हैप्पीनेस इज ऑफन द कॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट अनहैप्पीनेस. जब हम सुख ढूंढते हैं वो सुख की खोज ही कई बार दुख का कारण बन जाती है. कोई नशा करता है, कोई व्यसनी बन जाता है, तो क्या वो सुख खोज रहा है पर वह उसके दुख का कारण बनता है. और तो ये दूसरी समस्या है. अगर हम सुख ढूंढते हैं तो हम ये क्या चर्चा क्या कर रहे हैं कि वॉट इज अ पर्पज दैट विल मेक आर सफरिंग बियरेबल. तो सबसे पहले बोला कि सुख की खोज यह उचित उचित पर्याय नहीं है. और तीसरी समस्या ऐसी आती है कि प्लेजर इज टू फ्रेजाइल अ पर्पस फॉर टू बी सस्टेनेबल इन आवर लाइफ. ये सुख है ये बहुत फ्रेजाइल है. फ्रेजाइल मतलब नश्वर. क्यों? क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएगी कि कुछ सुख का नॉलेज ही नहीं थे. मान लीजिए अगर कोई एथलीट है और उसको ऐसे इंजरी हो गई, उसको ऐसे घाव हो गया कि वो अभी चल भी नहीं सकता, ऐसे उसको छोड़ दे. तो अगर हम सुखी खोज कर रहे हैं तो जीवन इतना इतना कभी कभी कठिनाई आ जाती है कि कुछ भी सुख नहीं रहता उसमें. और उस समय जब ऐसे होता है कि अगर हम सोच रहे हैं मेरे जीवन का उद्देश्य सुख है और मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो उस समय क्या होता है वो व्यक्ति बड़ा ही विकृत बन जाता है. इफ आई डोंट गेट हैप्पीनेस देन व्हाई शुड आई लिव और व्हाई शुड एनीवन गेट एनी हैप्पीनेस. अगर मैं जीवन में सुख नहीं मिल रहा है तो मैं जीव ही क्यों. तो वो विचार सुसाइड आत्महत्या कर लेते हैं. और यहां तक ही नहीं, अगर मुझे सुख नहीं मिल रहा है तो दूसरे क्यों सुखी रहे, तो वो जो है होमिसाइड या जेनोसाइड पर चल जाते हैं. जो लोग बहुत जो सुखी सोच रहे ढूंढ रहे हैं और सुख नहीं मिलता है तो उनका जीवन ही अर्थहीन बन जाता है. जीवन में कुछ करने के लिए रहता ही नहीं. तो जो लोग आतंकवादी वगैरह होते हैं अलग अलग कारणों से आतंकवाद के लिए, पर क्या है कि मेरे जीवन में इतने दुख है कि तुम्हें सुख रहने का क्या क्या हक है, तो तुम्हारा भी विनाश कर दूंगा. वही भाव होता है दुर्योधन का, यही भाव होता है. दुर्योधन के पास राज्य और ऐश्वर्य है पर जब युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ देखता है तो बड़ा उत्साहित हो जाता है और फिर
जब उसको वापस आता है धृतराष्ट्र को शकुनी बताते हैं कि आपका पुत्र बड़ा विचलित है, तो फिर धृतराष्ट्र क्या बात है, वो कहते हैं कि मैंने युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देख लिया है। तो फिर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से समझाने का प्रयास करते कि तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम क्यों युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर के पास क्या हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास इतना ऐश्वर्य तुम सुखी हो। पर क्या है कि द माइंड अंडर वैल्यूज द थिंग्स वी हैव एंड ओवर वैल्यूज द थिंग्स वी डोंट हैव। कि हमारा मन जो है क्या करता है, जो चीजें हमारे पास है उनको कम तो है, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, और जो नहीं है वो बहुत बड़ी चीज है, ऐसे हो जाता है। तो उसे कह रहा है जब हमें हम ऐसे नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर जब ऐसे होता है तो हम बड़े तो इसीलिए तभी क्या होता है वो तो युधिष्ठिर कहता है कि कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है जबकि उसका प्रतिस्पर्धी उससे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है। तो क्या हो गया, उसने उसका सुख दूसरे के स्तर पे डाल दिया है, और वो बहुत ऐसे वेरी पिटिएबल वे ऑफ लिविंग कि दूसरा दूसरे का स्तर क्या है उसके आधार पर मेरा सुख रहेगा, तो कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता उस तरह से। टू बी हैप्पी इज पॉसिबल, टू बी हैप्पियर देन अदर्स इज इम्पॉसिबल। हम सब हमारे पास जो है उसके साथ हम सुखी रह सकते हैं, पर क्या है मुझे इससे ज्यादा सुखी होना है। और कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा सुखी है, पर उनके साथ अगर सही में बातचीत करेंगे तो हम पता चलेगा उनके जीवन में बहुत से दुख है, पर हम कल्पना करते हैं ओवर वैल्यू थिंग्स एंड अदर्स है, उसके हमको लगता है कि ये बड़े सुखी है। तो इसलिए जब हम सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो फिर हमारा जीवन जो है उसको सही मार्ग पर नहीं चल सकते, वो बहुत सस्ता है, वो हमें गुमराह कर सकता है, और वह सुख जो है वह नश्वर होता है। ये दूसरा पॉइंट था। तो क्या जीवन का अर्थ पूर्ण उद्देश्य हो सकता है वो मैं अंत में चर्चा करूंगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? As you rightly said, everybody has some kind of weaknesses we have to overcome. So in my case, I would say yes, without entering my life to higher purpose, I was unable to overcome my own weaknesses. Number two, I found that after coming to Krishna consciousness, keeping Krishna in center of my life has helped me a lot and lot and lot every moment to keep away from those weaknesses, without which it was like impossible. Whatever things I kept in center, my profession, my family, my children, my parents, everything else, at some point in time it failed. But while the moment I kept Krishna in center of my life, my purpose is intact and my life is helping me keeping away from all my weaknesses, whatever I was going through. And trust me, like, it works. So that's what I wanted to share with everyone. Thank you for my consciousness and thank you all. Wonderful. You make Krishna your Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Is it audible? No. No, okay. So thank you for that reflection. So हम सवाल जो है बाद में ले लेंगे अंत में। तो तीसरा पॉइंट जो है कि पहला पॉइंट था कि कैसे दुनिया की समस्याएं हमें अच्छे को अच्छे लोगों का पूरा कार्य करवा सकते हैं, और हमें एक ऐसा उद्देश्य चाहिए जो हमें समस्याओं को झेल सके, पर सुख की खोज वह उद्देश्य नहीं। तो फिर क्या है, व्हाट इज द पर्पस दैट कैन मेक लाइफ बियरेबल एंड मीनिंगफुल, दैट इज स्पिरिचुअल इवोल्यूशन टुवर्ड कृष्णा। तो जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता, क्या क्या ऐसा उद्देश्य है जिससे हम जीवन के दुखों को सह सकते हैं, वो उनको अर्थपूर्ण मान सकते हैं, वह है कि आध्यात्मिक उत्क्रांति भगवान की प्राप्ति के लिए। शास्त्र बताते हैं कि हम आत्मा है और आत्मा अनेक जन्मों पे है से भटक रहा है जगत में, पर तो सबका उद्देश्य अंत में भगवान की प्राप्ति करना। तो हमारे जीवन में समस्याएं जब आती है तो कई बार वो समस्या क्यों आ रही है हमको समझ में नहीं आता है,
तो अगर हमने कुछ गलती की है उसी कारण अगर कोई हमको बड़ा पोसता है वगैरह हमको बुरा लगता है, इसी तरह हमने गलती की है, पर हमने कोई गलती की ही नहीं है फिर भी हमको कोसता है, या छोटी सी गलती की है कोई बहुत कोसता है, तो फिर उसको सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो समस्याओं का हम कोई अर्थपूर्ण रूप से नहीं लिख सकते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये है कि हम सब फाइनाइट, जो हम बहुत ही सीमित जीव है, उसके कारण जो हमारा जीवन का उद्देश्य है और जीवन में हमारे जीवन में क्या क्यों हो रहा है ये हम समझ नहीं सकते हमेशा, पर फिर भी हम ये श्रद्धा रख सकते हैं कि हमारे कार्यों से हम कुछ फर्क कर सकते हैं। कैसे है कि जब हमारे जीवन में दो परिस्थितियां हो सकती है, उसको कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डर और केओस, कि जब ऑर्डर मतलब नियमितता और केओस मतलब अनियमितता। तो ऑर्डर मतलब क्या कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका अपेक्षित फल हमको मिलता है, जैसे अपेक्षा के अनुसार कार्य होता है। केओस मतलब कि हम जो कार्य करते हैं और उससे पूरा कुछ विपरीत हो जाता है। अभी आप सब कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे बैठे हैं और ऑर्डर है यहाँ। ऑर्डर मतलब क्या है कि आप यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं और सब शांति से प्रवचन करके सुन रहे हैं, पर आप सबको ऐसा विश्वास है कि आपके बाजू का व्यक्ति अचानक आपके ओर मुड़ के आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। अभी अगर हमको वो विश्वास नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कैसे ऐसे जगह में मेंटल हॉस्पिटल में बैठे हुए और वहां पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है तो फिर क्या होता है, वो केओस हो जाता है। तो क्या होता है, हमको हमारे जीवन में कुछ मात्रा में ऑर्डर चाहिए। क्या ऑर्डर चाहिए कि अभी हम सब इस प्रवचन में आए हैं तो सब प्रवचन में जिस तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सके उसके लिए जो नियमितता चाहिए वो चाहिए, पर हमको केवल ऑर्डर नहीं चाहिए, हमको थोड़ा केओस भी चाहिए। केओस मतलब क्या, हमारे अगर मान लीजिए आप प्रवचन में आते हैं और हर बार हर प्रवचन में आपको वही सुनने को मिलता है तो बाद में कहाँ जाएंगे, हमारा मन थोड़ा उठ जाएगा, हमको कुछ ठीक है वही पॉइंट है पर कुछ नई पद्धति से सुनना, अच्छा नया विश्लेषण दो, नया उदाहरण दो, कुछ नई कहानी बताओ। तो हमको कुछ ऐसा भी चाहिए कि अच्छा मैं आज ही अपेक्षा नहीं कर रहा था, ये सुना मैंने, अच्छा पढ़ सुना। तो क्या है, सिर्फ अगर ऑर्डर रहेगी हमारे जीवन में तो फिर बोर्डम आ जाएगा, सिर्फ केओस रहेगा तो पूरा इनसिक्योरिटी हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, कुछ ऑर्डर चाहिए, कुछ केओस चाहिए। और जब इस तरह से हम जीते हैं तो हम प्रगतिशील होते हैं, अगर कुछ भी ऑर्डर नहीं है तो हम कुछ ही नहीं कर सकते और कुछ भी केओस नहीं है तो पूरा जीवन जो है बोरिंग हो जाता है। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं कि हमारे जीवन में कभी जो ऑर्डर है, जो नियमितता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है और केओस कम होता है, कभी हमारे जीवन में जो नियमितता होता है वो कम ज्यादा कम होती है और केओस ज्यादा हो जाता है। पर हम जब भगवान में श्रद्धा रखते हैं, अभी भगवान में श्रद्धा रखना मतलब ये केवल कि भगवान का अस्तित्व है, पर हमें समझना है कि द यूनिवर्स इज मूविंग पर्पसफुली। भगवान में श्रद्धा मतलब रखना मतलब ये नहीं कि भगवान का अस्तित्व है, पर भगवान इस जगत को इस तरह से चला रहे हैं कि कुछ उद्देश्य है। तो इस स्तर पे ऑर्डर है, यहाँ पे केओस है, पर इस केओस से हम जाएंगे, इस अस्थिरता से जाएंगे तो ऊपर एक नया ऑर्डर आता है। तो जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो ये समस्या का क्या उद्देश्य है ये मैं नहीं समझ सकता अभी, क्योंकि मेरी बुद्धि सीमित है, पर ये जो डिसऑर्डर ये केओस आया है मेरे जीवन में, इस केओस का मैं सामना करूंगा तो उससे कुछ और बेहतर ऑर्डर आएगा, उससे कुछ और अच्छा होगा मेरे जीवन। So, that things in the universe move purposefully, even if we don't understand the specific purpose of everything that happens, that is a vital faith that we all need. But हर एक चीज क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर जो चीज किसी उद्देश्य, चीजें जो हो रही है वो किसी उद्देश्य से हो रही है, यह श्रद्धा
हम सबको बहुत जरूरी है। और यह श्रद्धा हमें भक्ति के अनुशीलन से आती है। एक उदाहरण दे सकता हूँ कि ऑर्डर केओस और ऑर्डर। तो मान लीजिए अभी जो कोई कोई स्त्री गर्भवती है, तो अभी एक तरह से वो ऑर्डर है। मैं कनाडा में था और वहां पे एक भक्त का कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंस्ट्रक्शन का वो नया भक्त या भी नया भक्ति में आया है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्लोगन था, आवर हाउसेस आर एज कंफर्टेबल एज योर मदर्स होम। हमारे घर इतने इतने कंफर्टेबल सुविधापूर्ण है जैसे कि आपकी माँ का घर। तभी उसको भी उससे शायद तीसरा स्तर पढ़ा रही है। पर फिर बाद में मैं थोड़ा एक हफ्ते गाने पूरी से बात कर रहा था, थोड़ा रिसर्च भी किया। तो वास्तव में क्या है कि अगर आप हम बायोलॉजिकल दृष्टि से देखते हैं तो बायोलॉजिकल या मैकेनिकल दृष्टि से देखते हैं तो जो माँ का गर्भ है वो निसर्ग ने इस तरह से बनाया है कि वो काफी सुविधापूर्ण है बालक के लिए। वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह रहता है जिससे कि वो जो शिशु होता है वो सुरक्षित रहता है। तो अगर हम वो शिशु को एक बायोलॉजिकल बैग समझते हैं, एक बैग जैसे है जैसे कोई पैकेजिंग करता है तो बैग को अच्छे से पैक करते हैं तो फिर वो टूटे नहीं, तो उस तरह से वो पैकेजिंग बहुत अच्छा है। पर अगर हम समझते हैं कि वो वहां पे एक सचेत चेतनापूर्ण आत्मा है, तो मान लीजिए अगर किसी को भारत से अमेरिका जाना है तो नॉर्मली प्लेन से जाए, पर अगर मान लीजिए उनको एक जैसे हम किसी टीवी को भेजते हैं पैक करके, वैसे पैक करके उनको भेज देते तो वो सेफ रहेगा बट अनबियरेबल हो जाएगा। तो क्या है कहने का मतलब, ये है कि माँ के गर्भ में एक तरह का ऑर्डर है कि वो शिशु जो है वो सेफ है। पर जब वो शिशु का जन्म होता है तो क्या होता है, क्योस होता है। तो वो माँ के लिए बहुत दर्द का समय होता है, लेबर पेन काफी मुश्किल होते हैं और वैसे ही वो शिशु के लिए भी दर्द होता है। तो गर्भ के अंदर ऑर्डर है, गर्भ के बाहर आते समय क्योस है, पर गर्भ के बाहर आने के बाद पुनः एक ऑर्डर है और एक नया जीवन है, बड़ा जीवन है। गर्भ के अंदर अंधेरे में रह रहा है शिशु, पर अभी पूरी दुनिया में बाहर। तो निसर्ग अभी वो उस समय जब कोई स्त्री गर्भ होती है तो ये दर्द हो गया, वो वैसे हो गया, हर एक चीज क्यों हुआ, ये दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, वो बताना मुश्किल है। वो हम स्पेसिफिकली जान नहीं सकते, पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है ऑर्डर से केओस जब आता है वो केओस हमेशा नहीं रहने वाला है, केओस से एक नया ऑर्डर आने वाला है। तो अगर हम समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, और सेवा करते समय क्योंकि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण सत्य है कि गॉड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अस, वी आर पार्ट्स ऑफ गॉड, देयरफॉर व्हाट वी गिव टू गॉड कम्स बैक टू अस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कि ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे वो भगवान वहां पे है, कुछ संबंध नहीं है, हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए जो हम भगवान के लिए करते हैं वह हमारे पास पुनः वापस आता है। तो अगर हम समझते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, भगवान के करीब जाना, भगवान के भक्ति में प्रगतिशील होना, तो वो मेरा व्यवहारिक जीवन हो, मेरे भक्ति की सेवा हो, मेरी साधना हो, हर चीज में हमको समस्याएं आएगी। पर अगर हमारा उद्देश्य है कि मुझे भगवान के करीब जाना, तो जो समस्याएं आ रही है इनका कोई उद्देश्य क्या, इस स्पेसिफिक समस्या का क्या उद्देश्य मुझे पता नहीं है। वी कैन नॉट नो द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स बट वी कैन नो द पर्पस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। कारण और उद्देश्य दोनों एक नहीं है। कारण मतलब ये क्यों हुआ, तो ये क्यों हुआ ये समझना हमें कई बार हमें मन में संभव नहीं होता है, पर ये इसका उद्देश्य क्या है, ये इस प्रकार का केओस मेरे जीवन में क्यों आया है, मेरी अच्छी नौकरी चल रही थी क्यों मैं फायर हो गया। मैं अमेरिका में एक भक्त के साथ घर में था, वो बता रहे थे कि वो भारत में यात्रा के लिए आए थे और उनको बहुत से मेल्स आ गए,
तो वो ऑफिस से भी मिल जा रहे थे, कुछ बोले कि मैं अभी यात्रा में कुछ ध्यान नहीं दे रहा, वापस जाकर सब मिल गए। और फिर लगभग 20-22 दिन के बाद वो गए और ऑफिस में गए, वहां पर ऑफिस ही नहीं था उनका। तो 20 दिन में न केवल उनकी नौकरी चले गई, वो कंपनी बंद हो गई। तो अभी केओस कैसे आ सकता है हमारे जीवन में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब ऐसे अभी ये केओस, कौन सा केओस, कौन किस प्रकार से समस्या क्यों आई वह हम नहीं सकते, पर हम जीवन का उद्देश्य जो है वह है कि हम हर एक परिस्थिति में भगवान के करीब जाना है, भगवान की सेवा करनी। तो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान में आपकी सेवा कैसे कर सकते, अगर वह उद्देश्य रखते हैं। अभी भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो कभी सेवा में सुख आता है, कभी सेवा में सुख नहीं आता है। अगर सुख, अगर हम सुख के लिए ही भगवान की सेवा कर रहे हैं तो फिर हम सोचते हैं भगवान की सेवा क्यों करूं। पर हम सब समझते हैं कि सवई पुंसान करो धर्मो ये तो भक्ति लधोक्ष जी और हरि तुख की अपृतिहता यत्मा सुप्रसिद्धि। तो हैप्पीनेस is best experienced as a byproduct of a purposeful life, not as a product of a pleasure-seeking life. हम सब सुख चाहते हैं, पर हम सुख की खोज के नहीं जीते हैं, तो फिर हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है। तो जो सुख है, वह एक byproduct होता है। जब हम हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए जीते हैं, तो हम समझते हैं कि जो भी दुख आ रहे हैं मेरे जीवन में, इनका कोई उद्देश्य है। इन सब दुखों के द्वारा क्या हो रहा है, मेरी प्रगति हो रही है। कैसे प्रगति हो रही है वो शायद अभी हमको कभी पता नहीं चलेगा, पर जरूर जो भी हो रहा है उसका कुछ उद्देश्य है। जो उद्देश्य है पर उद्देश्य क्या है, क्या कारण है, क्यों हुआ ये पता नहीं है, पर उद्देश्य की ओर अगर हम अग्रसर होते रहे तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक प्रश्न के साथ अंत करूंगा। मैं कई पिछले 4-5 सालों से पाश्चात्य देशों में जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए। तो भारत में एक प्रकार का ग्लैमर होता है कि पाश्चात्य देशों में जा रहा है प्रचार करने के लिए, तो हर चीज का ग्लैमर होता है। कोई पाश्चात्य देश में जा रहा है तो ग्लैमर होता है, तो प्रचारक के लिए करते ग्लैमर हो जाते हैं, पर वास्तव में पाश्चात्य देशों में उतना ग्लैमर नहीं है। पीछे कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी जब भारत में थे तो भारतीय लोग कम से कम एक साधु पुरुष का के रूप में आदर कर रहे हैं, और जब अमेरिका में गए तो फिर उनको जानते ओल्ड मैन। तो मैं एक बार एक कार्यक्रम के लिए गया था कनाडा में, और जब हम कार्यक्रम के लिए गए तो कुछ भक्त मेरे साथ आ रहे थे, तो 3-4 भक्त मेरे साथ आए थे, हम घर कार में गए। जब वहां पे पहुंचा मैं तो फिर वहां पे कार्यक्रम की जगह पे कोई भी नहीं था। वो वेन्यू में जो होस्ट है, जो एक एक भक्त जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, भक्त मतलब ओके क्या है, भक्ति बड़ा इलास्टिक वर्ड है। जो मंदिर में आ रहा है वो भक्त है, जो दीक्षा करके दीक्षा होके बहुत समर्पित भक्ति कर रहा है वो भक्त है, तो वो भी किसी प्रकार के भक्त है। तो क्या हुआ था, तो वो भक्त ने इस व्यक्ति के घर में कार्यक्रम रखा था, और बाद में क्या होगा, ये भक्त को प्रयोजन सुनना अच्छा लगता है, पर क्या होगा, भक्त को भक्त की रुचि आती है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बहुत टेस्ट है। तो क्या हुआ, उस समय जब मेरा कार्यक्रम एक महीना पहले फिक्स हो गया था, मैं जब मेरा ट्रैवलिंग करता हूँ तो लगभग 3-4 महीने पहले पूरा शेड्यूल बना लेता हूँ। तो फिर एक महीने पहले, पर उस समय अचानक वहां पर कुछ बड़ा मेला हो गया था, तो दिस डिवोटी कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू गो फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो उसके साथ जो वो अभी वो लीडर थे, इसीलिए सारे भक्त चले गए, भक्त ने जो भक्त के समान थे, और केवल हॉस्ट नहीं जा पाया क्योंकि उसके घर में माना था। तो मैं उस घर में गया, तो क्या होगा, जो लोग मेरे साथ आए थे वो ज्यादा थे, जो वहां पे थे उससे कम थे। तो फिर जब मैं देखा तो मेरे जो भक्त ऑर्गेनाइज किया था वो, उनको मैंने कॉल किया, क्या हो रहा है, तो उन्होंने कॉल उठाया और कहा I'm busy now, I'll talk with you later. और उन्हें फोन रख दिया। तो मैं थोड़ा क्रोधित हो गया था तभी। अभी क्या, अगर तुमको कहीं जाना था तो तुम ही बोल देते थे, मैं कार्यक्रम के लिए आ रहा था। और रास्ते में गया था लगभग 1 घंटा ड्राइविंग करके गए थे उसका।
अभी है अभी मैं सोचा था तो मेरे बिल्कुल इच्छा नहीं होता कुछ बोले पर मैं सोचा कि कम से कम ये होस्ट तो है वो यहाँ पे उन्होंने हम बैठे हुए जो वक्त मेरे साथ कार्यक्रम के लिए आए तो क्या करें अभी तो कुछ बोल तो मैं कुछ टॉपिक पे बोलना था बोल लेते तो समाओ जब ये हुआ कि आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग और जैसे मैं बोलने लग गया तो कभी क्या होता है कि जो क्लास देते हैं गिविंग अ क्लास इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डिलीवरी इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ डिस्कवरी जब हम बोल रहे होते हैं ऐसे नहीं है कि ये मैंने प्रिपेयर किया यही बोलने वाला पर कभी कभी जब हम बोल रहे होते हैं कोई नया पॉइंट आ जाता है कोई नया फ्रेज आ जाता है तो फिर वो जो क्लास था वो जब मैं पहले जस्ट ओवर समाओ अभी मैं सोचा कि तभी मैं सोचा मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ मेबी आई जस्ट गो बैक कैंसिल द प्रोग्राम पर तभी पाकिस्तान से लोगों को याद आया कि इफ नोबडी कम्स रीच टू द वॉल्स कोई नहीं है तो वॉल्स को प्रचार करना सर ठीक है बोला मैं ट्राई करके देखते क्या हाँ तभी जैसे चालू हो गया तो वास्तव में उससे क्या पॉइंट बोलने लगा एक पॉइंट दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट और वो दैट वाज सच अ क्लास ऑफ डिस्कवरी कि उससे मुझे पूरा नए बुक का आइडिया आ गया सर क्या तभी वो जो क्लास हो गया उसके बाद में वो जो होस्ट थे वो अपोलोजाइज कर रहे थे बोले कि आई एम वेरी सॉरी ऐसे हो गया नो प्रॉब्लम आई एम हैप्पी हैप्पी तो क्या है समटाइम्स हम जो उद्देश्य होता है हमारा ये क्यों मैं लेक्चर देने वहाँ पर लोग हैं तो सुनने वाले पर वो उद्देश्य भले ही पूरा नहीं हो रहा है भगवान की योजना से कोई और उद्देश्य पूरा हो सकता है तो इसलिए ये ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या होता है कि हम कोई लेक्चर ले जाते हैं लोग वहाँ पे आए लेक्चर सुन रहे वो ऑर्डर है केओस क्या है कि आप ऑर्डर आप जा रहे हो और कोई है ही नहीं वहाँ पर ऑर्डर टू केओस टू ऑर्डर तो वो केओस से कौन सा ऑर्डर आने वाला है वो हम पहले से पता नहीं होता है सो फेथ means to not reduce God to our expectations and our plans. कि हम योजना जरूर बनाते हैं पर हम भगवान को सीमित नहीं करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सब कुछ गलत हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा पर अगर हम सेवा भाव रखते हैं तो कुछ और अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा होगा वो हम पहले से पता नहीं होता है बट दैट कैन मेक लाइफ एक्साइटिंग तो जो सेवा भाव है भगवान की सेवा का भाव रखना वो ऐसा उद्देश्य है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है और जीवन में कितनी भी समस्याएं आए उसके परे जो भी क्योस हमारे जीवन में आता है उसके परे जाने की क्षमता हमें मिल सकती है अगर हम भगवान का सेवा भाव रखते हैं तो जो सेवा भाव रखेंगे इट मेक्स आवर सफरिंग ब्यूरेबल एंड इट मेक्स आर लाइफ मीनिंगफुल एंड फ्रूटफुल प्रभुपाद जी का उदाहरण देखते हैं हम तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो एक तरह से ऑर्डर से केओस में गए अमेरिका में क्या होने वाला उनको पता नहीं था और पहले श्लोक में बताते हैं वो कि मार्किने भागवत धर्म का पहला श्लोक क्या है बड़ो पुरुष का दूसरा अच्छे किच्छु कार्य तबे यही अनुमान है ना है कहनो आने लेना यही उग्र तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अनुमान हम साधारण कहते हम साधारणतः कहते कि प्रत्यक्ष और अनुमान पर ज्यादा जोर देना चाहिए पर प्रभुपाद जी को श्रद्धा थी कि भगवान की कुछ योजना होगी पर क्या योजना है वो पता नहीं करता आज के किचू कार्य दबे तब यही अनुमान है अनुमान आपने यहाँ पे लाया मुझे तो कोई उद्देश्य होगा कोई उद्देश्य होगा तो फिर मैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाऊंगा कैसे कर पाऊंगा उसको मुझे पता नहीं है तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते तो काष्ठेन पुत्तली जैसा नचाओ से तो मतलब क्या है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ पर कैसे मैं आपकी सेवा करने वाला हूँ ये मुझे पता नहीं है तो जैसे आप मुझे बताओगे वैसे मैं करूँगा तो प्रभुपाद जी ये बहुत एक तरह से फिलोसॉफिकल थे पर दूसरे दिमाग में प्रैग्मेटिक थे तत्व ज्ञान में बहुत वो एब्जॉर्ब थे पर कैसे सेवा करनी है ठीक है वो पहले बटलर में उनको रहने को जगह मिलती पर वहां पे कोई उनको क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते नॉट अ स्पिरिचुअल टीचर तो प्रभुपाद जी वहां से थे न्यूयॉर्क आ गए
न्यूयॉर्क में तो उनको कीर्तन करने का मौका मिल रहा था, विश्वास स्टूडियो में, पर उनको बोलने का मौका नहीं मिला। फिर वहां से जहां भी मौका मिल गया प्रभुपाद जी ने, है प्रभुपाद जी ने मौका स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी का क्या था, कैसे आगे वो जो क्योस था अमेरिका में, उसे कहाँ ऑर्डर आने वाला पता नहीं था, पर उनको श्रद्धा था कि जरूर उसे कुछ ऑर्डर आएंगे। और जहां पर मौका मिलता रहे, क्योंकि सेवा भाव का उद्देश्य था, ठीक है यहाँ पे सेवा करते, यहाँ पे सेवा कर सकते, यहाँ पे सेवा कर सकते, और जहां पे कई कई जगह पर सेवा करते उसमें कभी यश नहीं मिलता है, कभी यश मिलता है। और बाद में जो केओस प्रभुपाद जी ने सहन किया, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ ऐसे कर सकते, बहुत बड़ा केओस होता है, और अगर उसको सहन कर लेते उसके बाद बहुत बड़ी ऑर्डर होता है। और वो बड़ा केओस को सहन करने के लिए हमको उद्देश्य उतना बड़ा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को बहुत समय तक समस्या होती, पर फिर बाद में जो ऑर्डर आया विश्व भावना फैल गया, और प्रभुपाद जी की कृपा से अभी विश्व के कोई भी कोने में जाते हैं वहां पे भी कृष्ण भावना के मंदिर है, कृष्ण भावना वाले भक्त है। और जो आध्यात्मिक संस्कृति, भक्ति की संस्कृति है, भक्ति का की का ज्ञान है, उसको हम लोगों को प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। तो जब हम सेवा का भाव रख के कार्य करते हैं, वो उद्देश्य रखते हैं जीवन का, तो कितनी भी समस्याएं आएगी हमारा जीवन, वो सब समस्या हम सहन कर सकते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो सारांश में मैं चर्चा की इस तरह से कि कैसे हम आप खुद को परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देखा कैसे कि इसे रावण बड़ा ही बुरा कार्य कर रहा है, पर हम भी रावण जैसे बन सकते हैं। जीवन की समस्या है और जीवन में लोगों का संग अच्छे लोगों को बुरा बना सकता है। हम देखा कि सब में कमजोरियां है, पर कुछ लोगों में दुष्टता है, और जो दुष्ट लोग कमजोरी को इस्तेमाल करके लोगों को नीचे घसीट लेते हैं। जैसे मंत्र आने में कई कई को किया, जैसे दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को किया, जैसे कोई नशा देने वाले लोग होते हैं बहुत विद्यार्थियों को कर देते हैं। तो हमें चौकन्ना रहना है, हमें एक अच्छा सकारात्मक भय रहना चाहिए कि ये बहुत गुणात्मक लोग कार्य करते हैं, ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जीवन में जो दुख आते हैं उसको सहन करने के लिए हमें एक अर्थपूर्ण उद्देश्य चाहिए। हम दुखों से नहीं डरते, अर्थहीन दुखों से डरते, और सुख यह एक अर्थपूर्ण उद्देश्य नहीं है। क्यों, क्या है कि सुख एक तरह से बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि कुछ को बोलेगा जिंदगी कॉमेडी देखते नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे, और सुख की खोज में कभी कभी नीचे के मार्ग में चले जाते हैं। और सुख क्या है, क्षणभंगुर, ऐसी परिस्थिति आएगी जब सुख होगा ही नहीं, तो फिर We need a purpose bigger than purpose. और वह क्या है, आध्यात्मिक प्रगति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा का मतलब क्या है कि अगर हम सेवा भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में ऑर्डर और केओस होता है। ऑर्डर मतलब जो हम कार्य करते हैं उसका अपेक्षित फल मिलता है, और जब केओस होता है तो हम कार्य करते हैं उसका क्या फल होने वाला है कुछ पता ही नहीं होता है। तो हमारे जीवन में कभी ऑर्डर होता है, कभी केओस होता है, और हम इन दोनों के बॉर्डर पर जीवित रहते हैं। पर कभी कभी उसकी ऑस बहुत बढ़ जाता है तो हमें, अगर हम सुख की खोज में आए तो मुझे सुख है ही नहीं, क्यों खोज कर रहा हूँ। पर अगर हम भगवान की अगर सेवा करते रहते हैं, सेवा उनसे हमारा उद्देश्य है, तो हमें श्रद्धा होती है कि ये जीवन, ये जगत किसी उद्देश्य चल रहा है। भले ही हमें हर एक चीज हो रही है उसका कारण पता ना चले, पर हर एक चीज का जो उद्देश्य वह है हमारी आध्यात्मिक उत्क्रांति। तो जैसे माँ के घर में शिशु होता है तो एक प्रकार की रचना होती है, नियमता होती है। तो जब जन्म होता है तो केओस होता है, पर उसके बाद में पुनः एक नया बेहतर ऑर्डर आता है, और जिस शिशु को बाहर के जगत में, सुंदर जगत में, बड़े जगत में प्रवेश मिलता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में कुछ ऑर्डर हो सकता है और फिर केओस लगता है। तो उस केओस से अगर हम भगवान का सेवा भाव रखते हैं, जरूर सभी उद्देश्य, तो फिर हमारा बुरी एक बेहतर ऑर्डर बन जाएगी। मैं दो उदाहरण इसलिए, जैसे कि जब मैं कनाडा में लेक्चर दे रहा था तो कोई था ही नहीं, तो जो हमारा अपेक्षित उद्देश्य था कि लोग आए और लेक्चर सुनेंगे वो पूरा नहीं हुआ, पर कुछ अच्छा ऐसा आइडियाज मिले, जैसे कि नया किताब लिख सकता हूँ, वो फल हो गया। जैसे प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका गए तो केओस से चले गए, पर क्योंकि वो केओस से सेवा भाव रखा उन्होंने, तो क्या हो गया, एक ऐसी ऑर्डर आ गई विश्व भर में भी कृष्ण भावना का मौका हजारों लाखों को मिल रहा है। तो हम भी अगर भगवान की सेवा का अभाव रखते हैं तो जो भी दुख आएगी हमारे जीवन में हम उनको सहन कर सकते हैं, क्योंकि इससे मैं भगवान के करीब जा रहा हूँ और हमारा जीवन अर्थपूर्ण बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
Hare Krishna. We'll come back to you a little later if you don't mind. If you have some questions, then we'll come back to you. Okay, quickly. Okay. Yeah. Prabhupada's mission has started creating highest automation in spirituality for human beings. यहाँ बंदे अपने आप आते हैं, साथ लेते हैं, दर्शन करते हैं, धीरे-धीरे वो बन जाते हैं, पता ही चला। That's the automation. Which person is not able to do. They have automation in mechanical machines. But we are learning automation in humanity, in spirituality. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, you call me the next class. Okay, how much time? If those are right, then I'm not going to do it. Just to know what time person. I know, we defend you. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, I have two questions. जो अब जा रहे हैं जो बाहर एक बुक स्टॉल है मेरे कई किताबें यहाँ पे अवेलेबल से चाहिए तो आप ले सकते हैं अच्छा बुक स्टॉल यहाँ पे है तीन किताबें से चाहिए तो रामायण पे किताब है गीता पे एक किताब है और पुनर्जन्म पे यस हरे कृष्ण ब्रो प्रोजेक्ट ऑफ नाइस क्लास आई हैव टू क्वेश्चन यू सेड दैट डिग्रेडेशन एंड वीकनेस इट हैज सीन दैट द ड्रग डीलर्स और ड्रग प्रोड्यूसर्स आर नॉट कंज्यूमर्स So they are wicked, but not wicked. Facilitate the weakness of others. So our first question is that as their business are going like anything, so is there any scope for them to grow weak? Is there scope for wicked people to grow weak? And the second question is that mantra and kaikeyi. So kaikeyi was weak, but mantra was wicked. But all through the history, mantra kaikeyi she has been condemned for being a bad stepmother. Whereas kaikeyi is admired or adored for her weak. And in case of Duryodhana and Dhritarashtra, Dhritarashtra was weak and Duryodhana was wicked. But Duryodhana died a glorious, he did a glorious service, he died as a warrior only. He was admired for his physical strength. But whereas Dhritarashtra was weak and he did a very miserable and pitiable life. In case of drug dealers like Pablo Escobar, he earned millions while earning billions. So he also died in short dead. So he died due to death as per criminal. So my second question is that what is good, being wicked or being okay. So क्या जो लोग जिनमें कमजोरियां हैं और जिन लोगों में दुष्टता है तो यार दुष्ट लोग शुद्ध होके कमजोरी के स्तर पे आ सकते हैं और जो कमजोर लोग हैं कभी उनकी ज्यादा भर्त्सना होती है दुर्योधन धृतराष्ट्र की भर्त्सना होती है और दुर्योधन को एक क्षत्रिय के समान युद्ध में मृत्यु प्राप्त हो गई तो फिर क्या बेहतर कमजोर होना या दुष्ट होना दोनों खराब है पर ऐसा नहीं है कि कमजोरी की बुरी चीज है पर खास करके कोई व्यक्ति बड़े जिम्मेदार पद पे है और वहां पे वो कमजोरी रहता है तो फिर दैट इज कंडेमेबल वह बुरा है तो अभी धृतराष्ट्र राजा की गद्दी पे बैठे कई कई वो एक राजकन्या थी राजरानी थी तो फिर उस स्तर पे अगर कमजोरी होती है तो फिर उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है इसलिए उनकी भर्त्सना इसलिए नहीं की जाती कि कमजोर है वो पर वो तो अगर कोई किसी पद पे है तो वहां पे उनको जिम्मेदार होना जरूरी है वहां पे कमजोर होना उचित नहीं है अगर मान लीजिए हमें कुछ फैसला करना है हम एक व्यक्ति है हम कुछ फैसला नहीं करते ये करें वो करें इनडिसाइसिव है तो ठीक है हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा पर अगर हम एक टीम है 25 लोगों की टीम है उसका लीडर है और हम इनडिसाइसिव अगर हम फैसला नहीं कर रहे तो क्या केवल उससे हमें परिणाम नहीं होगा सबको परिणाम होगा
So indecisiveness is a weakness. But indecisiveness in a person who is a leader is a far bigger weakness. So वही तो कमजोरी किसमें है वो बड़ा महत्वपूर्ण है. तो दोनों पूरे हैं और एक तरह से शुद्धिकरण सबका हो सकता है. जो कमजोर है उनका शुद्धिकरण ज्यादा आसानी से हो सकता है. जो दुष्ट है उनका उनका शुद्धिकरण होने के लिए कई चीजें लगती है. सबसे पहले कोई बड़ा दक्ष प्रचारक लगता है जो उनको उनकी भाषा में समझे ऐसे बताए. जैसे नारद मुनि जब मृगारी के पास गए तो उन्होंने उससे नहीं कहा कि तुम जानवरों की मार सवाल पूछा क्या किया उन्होंने. अभी एक तरह से उसको मुरारी को एक्सपेक्टेड ही था. ऑर्डर ऑर्डर क्या होता था कि साधु आ रहा है तुम कितना बुरा कार्य कर रहे हो तुम जानवर को मार रहे हो. तो वो ऑर्डर में नहीं रहे. नारद मुनि क्या किया कि औसत जानवर को आधा क्यों मार रहे हो ऐसा सब सवाल पूछ रहे तुम. तो फिर उसके जवाब में फिर नारद मुनि उनको उपदेश दिया. तो जो क्रूर है उनको प्रचार करना मुश्किल होता है. और फिर हमें भी हमारी क्षमता समझनी है. हमें हमारा लिमिट समझना है. हम ये नहीं सोच सकते कि जो क्योंकि हम सीमित जीव है तो हमारी कंपैशन करने की क्षमता भी सीमित है. तो अगर ऐसे बहुत ही कोई क्रूर या दुष्ट व्यक्ति है उनको हम मदद करने का प्रयास करेंगे पर कभी उनको मदद करते समय हम नीचे नीचे जा सकते. तो इसलिए उनकी मदद हो सकती है पर बड़ा ही दक्ष प्रचार चाहिए उसके. और साथ साथ उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए जब वो कुछ और खोजने का प्रयास करें नहीं तो फिर वो अपने ही जीवन में जो नरक की दिशा है उसमें जा रहे हैं और उसको हम रोक नहीं सकते. Association. You have heard that how qualifying is bad, and the same time when they are living in association, the discrimination is very much emphasized in pictures in terms of association. So judgment and discrimination. So how do we live in the association with this? The discrimination is also necessary, where we see in Bhagavatam so many places is mentioned. The discrimination only will lead to the तो हमें एक तरह से भेद करना जरूरी है पर दूसरों को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है. तो हम कैसे किस तरह से ऐसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक मूल भाव फर्क यह है कि व्हाट इज आवर पोजीशन एंड व्हाट इज आवर डिस्पोजिशन. कि हमारा स्तर क्या है और हमारा भाव क्या है. मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ट्रेनर है उसका पोजीशन है कि वो स्कूल मास्टर है काउंसलर है गाइड है पेरेंट है तो तभी इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन. कि तभी जो कर रहे हैं या आपको ऐसे पूछे. तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे. तो एक तरह से अगर किसी को किसी पद में किसी में ट्रेनिंग देना है तो दो होना जरूरी है. पर उसमें भी क्या है कि केवल दोष नहीं होना है अच्छा भी देखना है अच्छे की भी सराहना करनी है. जो संबंध है इस तरह से होना चाहिए कि जिससे कि वो व्यक्ति को लगे कि व्यक्ति मेरा ही चिंतक है कि उससे मैं दोष नहीं देखा. तो जब हमारा पद भी है तभी हम सावधानी से करना है तो करना पड़ता है. मान लीजिए वैसे पद नहीं है हमारा हमारे तो इक्वल से है पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति को हमेशा बुरा बोलते रहता है कुछ दूसरों का तो तभी भेद होता है. तो जब भेद होता है तो फिर क्या होगा उसमें उस समय हमें देखना है कि मेरे लिए क्या अनुकूल है व्यक्ति का प्रतिकूल. जब हम इक्वल की रिलेशनशिप में हैं तो ठीक है इस व्यक्ति के सामने से मुझे थोड़ी परेशानी है इस व्यक्ति में कितना ही विषय जाता है. तो क्या वो व्यक्ति बुरा है हो सकता है नहीं होता पता नहीं. तो इट्स गुड नॉट टू फिक्स परमानेंट लेबल्स ऑन पीपल. कि लोगों पे हमेशा एक ऐसे परमानेंट लेबल नहीं डालना है बट फंक्शनली हमें कुछ लेबल रखना जरूरी है. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा चीजें भूल जाता है और हमें किसी कार्यक्रम के लिए जाना है और कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है
और व्यक्ति भूल रहे हैं, तो अगर व्यक्ति भूलने वाला है और अगर हम भूल जाएंगे तो व्यक्ति भूलते और हमको बोलते बोले कि हमको बोलते आप लेके आओ और नहीं लेके आते तो हम परेशानी हो जाए। तो एक व्यवहारिक स्तर पे ये ज्ञान रखना कि किस व्यक्ति का किस तरह से स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, वह व्यवहारिक स्तर पर जरूरी है। और उसके हमें यह भी समझना है कि यह व्यक्ति वास्तव में इट्स नॉट जस्ट दे आर लाइक दैट, इट्स देयर बॉडी मंडल है, वो एक शुद्ध आत्मा है और उनका जो मन है वो शरीर है एक प्रकार से कंडीशन है, बद्ध है, उसके अंदर इस तरह से कार्य करते हैं, क्रोध हो जाते हैं, भूल जाते हैं, टाइम पे नहीं आते, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी है। तो वो हमें देखना है, अगर वो हमसे समस्या होगी तो हमें जरूर ज्ञान के प्रैक्टिकली कार्य करना है। तो भेद करना एक तरह से बहुत जरूरी है। पर जब हम केवल दूसरों की निंदा करते हैं, जब खास करके अगर हमें पात्रता नहीं, पात्रता है भी हमारे पद है पर बहुत निंदा ही करते रहते तो फिर क्रोध होता शुरू होता है। Our purpose is not just to elevate people. Our purpose is to encourage people so that they elevate themselves. कैसे हैं कि हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को स्वयं उनका उद्धार करना है। तो भले ही हम चाहते हैं कि आप गलत कर रहे हो और आप सीख जाओगे, पर हम किसी को उठा नहीं सकते, उनको ही उठना है। और भले अब तो उसके लिए हमको पता ना आप नीचे गिरे हो और इस मार्ग से आप ऊपर उठ सकते हो, तो सिर्फ मार्ग बताना जरूरी है, उनको वो उत्साह प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। तो कई बार क्या करते हैं, हम उनको एनलाइटनमेंट देते हैं पर एनकरेजमेंट नहीं देते, सिर्फ एनलाइटनमेंट देते हैं, एनकरेजमेंट के बिना लोगों को लगता है हाँ ये बहुत बड़ी बड़ी बात बोलता है, ये सब इम्प्रैक्टिकल, और सिर्फ एनकरेजमेंट देते हैं एनलाइटनमेंट नहीं देते, तो फिर लोग सकते हैं जैसे अभी परफेक्ट हो गए कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको दोनों देना है, एनकरेजमेंट और एनलाइटनमेंट। थैंक यू वेरी मच, स्टॉप मी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ समय के लिए हम बात कर सकते हैं कृपया प्राइवेटली। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।